हाय, और ये एक बुरी खबर है, मुझे कहना चाहिए। जो कल मैंने वीडियो डाला था कि क्यों स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है लेकिन पूरी नहीं हो सकती बिफोर ऑल इंडिया कोटा, या शुड आई से एमसीजी काउंसलिंग, क्योंकि वो जो इनका रूल है कि राउंड टू के बाद 15% सीटें वापस दी जाती हैं। और फिर मुझे कि लोगों ने बताया कि अरुणाचल ने एलोकेट कर दिया है, और वेरी फ्रेंकली मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मुझे बाई चांस लिंक ही नहीं मिला। और ऑनेस्टली अरुणाचल को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता भी नहीं हुआ, शायद एक या दो कॉलेज है और कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं, या एटलीस्ट जिस एरिया में हम डील करते हैं, नॉर्थ और वेस्ट और साउथ, एनीवेयर, किसी बच्चे को मैंने कभी अरुणाचल जाते नहीं देखा। तो रियली सॉरी, मैं अरुणाचल, मणिपुर वगैरह को ट्रैक नहीं करता, और ज़्यादा फोकस हम मतलब असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट को ट्रैक नहीं करते। लेकिन चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, या उड़ीसा जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, मेरा अभी भी वही मानना है कि क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स हैं, उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीटें निकाली गई हैं 15% की। अब एक कॉलेज ने या एक स्टेट ने काउंसलिंग करा भी ली, और काउंसलिंग करा के उसने सीटें दे भी दी, लेकिन कॉलेज तो स्टार्ट हो नहीं सकता है जब तक एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि जो आपके कॉलेज के 15% सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा में जानी है, तो वहाँ के लिए तो एलिजिबल बच्चे अभी काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ नहीं पा रहे ना। सो लुकिंग एट एवरीथिंग, दैट्स वाई सेड कि बहुत मुश्किल है। और मतलब लॉजिक नहीं कहता, कोई स्टेट करी भी लेगा तो शायद वो बेवकूफ़ी कर रहा है, लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि वो उसको बाद में फिर से बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जब उसके जो टॉपर्स बच्चे होंगे जिन्होंने भी सीट ली होगी, वो फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहेंगे। देखिए पंजाब में या गुजरात में या असम में अगर आपके 680 नंबर है, फिलहाल आप सीट ले लोगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर आप एम्स दिल्ली में आना चाहोगे, आप मौलाना आजाद दिल्ली में आना चाहोगे, आप UCMS दिल्ली में आना चाहोगे, वर्धमान महावीर दिल्ली में आना चाहोगे थ्रू ऑल इंडिया कोटा, फिर वो सीटें छोड़ी जाएंगी, फिर दोबारा काउंसलिंग होगी, तो फ़ायदा क्या? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आपने आधी सीटें अभी भर दी 85% और बाकी सीटें आप बाद में भरोगे। देर वुड बी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। सो सच्चाई तो यही है कि वेट करो। और जो कल बुरी खबर आई है, देखिए पहले ये था मैं कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा OBC और EWS को, जिस केस को हम वेट कर रहे थे, जो 25-26 नवंबर को फैसला होना था। फिर एक वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, चलो उस पर फैसला होने वाला है, और वो आसान था, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हिंदी का पेपर का ट्रांसलेशन डिफरेंट थी, सो जिन लोगों ने हिंदी पेपर अटैम्प्ट किया है उनकी मार्किंग दोबारा हो सकती है, और फिर उसके हिसाब से वो किसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके हम दे सकते थे। और ऑफकोर्स रैंक दोबारा दी जाएगी, तो हर एक बच्चे को अपनी दोबारा से रैंक स्कोर कार्ड तो डाउनलोड करना पड़ेगा। बट आई एम सेइंग कि ये फिर भी मुझे लगता था कि हफ्ते 10 दिन की प्रोसेस है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। तो एक बार फैसला हो जाए कि उस क्वेश्चन के क्या करना है फिजिक्स के, तो फिर कंप्यूटर के माध्यम से दोबारा से री रैंक निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये जो EWS का चक्कर पड़ा है, जिसमें सेंटर ने कह दिया है कि ठीक है, हम EWS के 8 लाख के क्राइटेरिया को रिव्यू करने को तैयार हैं, और अब उसकी उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ही अब उनको जो नेक्स्ट डेट है वो 6 जनवरी की दे दी है। इसका मतलब ये है कि जब तक 6 जनवरी तक वो हेयरिंग नहीं हो जाती, वो EWS के नए क्राइटेरिया सेटअप नहीं हो जाते, और उसके हिसाब से शायद फिर लोग EWS सर्टिफिकेट दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट में ना कभी इनकम नहीं लिखी होती थी, राइट? जैसे आपकी इनकम है 6,80,000 है, तो EWS अथॉरिटीज़ तो आपको दे कर सर्टिफिकेट छोड़ देते थे। अब लेट से नया EWS आ गया, जो ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि रीजन बाई रीजन चेंज हो। अगर दिल्ली में EWS 8 लाख है, तो शायद एक रूरल एरिया में 5 लाख वाले को EWS मिलना चाहिए, 6 लाख वाले को नहीं मिलना चाहिए। तो दे हैव टू गो बाय दैट प्रोसेस, वी हैव टू फिगर आउट कि वो इंसान कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं हैरान हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको ये इग्नोर कर देंगे, और इसकी वजह से अगर MBBS काउंसलिंग डिले हो रही है, तो देखिए जैन तो अब पहुँच ही रहा है, और तो अक्सर मतलब प्री कोविड टाइम में एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाता था, तब आप मान के चलिए कि 6 जैन को अगर हेयरिंग है, और तब तक सेंटर कुछ अपनी पूरी प्रोसेस बनाएगा 1 महीने में कि किस तरह से आप रीजन बाय रीजन चलोगे, आप एड्रेस को काउंट करोगे कि वर्क एरिया को काउंट करोगे, अक्सर तो आप रेजिडेंस को ही काउंट करते हो, और फिर उसके हिसाब से आप एक
स्टैंडर्डाइज रूल बनाओगे जो पूरी इंडिया में अप्लीकेबल होगा, और फिर आप हर एक के लिए अलग अलग EWS सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, क्योंकि 10% सीटें भी कम नहीं है, और फिर उसके बाद फैसला होगा। तो वेरी फ्रेंकली आई एम गेटिंग रियली वरिड। देखिए बैच कैंसिल नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि MBBS इतना कोवेटेड कोर्स है, जो खासकर इंडिया के सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी सीटें सरकार ख़राब नहीं करना चाहेगी फॉर वन बैच। तो बैच तो चलेगा, वही बात है कि शायद अगर बाकी 6 जनवरी तक टल गया तो ये मैं मान के चल रहा था कि 1 दिसंबर से तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ये था कि OBC EWS को मान लेगी सुप्रीम कोर्ट और पटिशन्स को सारी खारिज करके, जिस तरह उन्होंने 2 बच्चों की कर दी थी महाराष्ट्र वाले, 1 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट, 31 जनवरी तक ख़त्म, 1 फरवरी से बैच चालू। लेकिन ये जो पूरा महीना लेट हो गया है, इससे तो अब ये लग रहा है कि 6 जैन को हियरिंग होगी, रिजल्ट आएगा, और अब मैं एक रफली मान के चलूँ कि मिड जैन में स्टार्ट होगा, तो फिर तो मिड मार्च मतलब अप्रैल में बैच स्टार्ट होगा। बैच जरूर स्टार्ट होगा एज ए सेट, क्योंकि अगला वो लोग कवर करते हैं ये लोग, फिर अगले मुझे पता है 5 साल में कैसे ना कैसे गवर्नमेंट कवर करेगी, बिकॉज दे विल नॉट लेट वन बैच गो एम्प्टी। MBBS एज ए सेट शॉर्टेज इस इंडिया में, सो लोग पेशेंटली वेट कीजिए। आप देखिए बैच कैंसिल नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू। और जिन लोगों को ये कंसर्न है कि भाई हमें अब्रॉड करने जाना है, वो अब जा सकते हो MBBS अब्रॉड, वो तो एडमिशन्स बंद होने वाले हैं, तो दैट प्रोसेस इट्सेल्फ इज रनिंग परफेक्टली वेल। ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ इश्यूज आ गए हैं, जो नया NMC गैजेट आया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाँ वहाँ पर आप जा सकते हो। इस सारे डिले का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपको अपने 4 महीने बचाने हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चों को खाली नहीं बैठना चाहिए, और इससे कट ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए मेरा ये मानना है कि कुछ लोग, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज वाले थे, जैसे किसी के 480 510 नंबर थे, और लोग फैसला कर लेते हैं कि अभी ड्रॉप नहीं करेंगे। सो आई थिंक वो जो लोग हैं ना, वो डाउट में आ जाएंगे, उनको लगेगा ठीक है अगर जैन में पढ़ाई चालू होगी या मार्च में पढ़ाई चालू होगी तो 4 महीने की बात है, मतलब मई में तो दोबारा नीट हो जाएगा, और ठीक है बैच अगला जाएगा। देखिए इट विल बी ऑलवेज काउंटेड एज 2021 बैच, अगला बैच विल बी काउंटेड एज 2022 बैच। लेकिन प्राइवेट ने तो कवर कर दिया, मैं आपको और बता दूं, जो मेरे पास खबरें आई हैं जितने प्राइवेट कॉलेज हैं इंडिया में, उन्होंने लास्ट ईयर के डिले को कवर कर दिया, सेकेंड ईयर को शॉर्टन करके, फर्स्ट ईयर को नहीं। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही करेगी, तो बट ऑफ कोर्स फिर भी वो जो एक साइकिल थी वो तो डिस्टर्ब है ही। तो कई लोग जो सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो मेरे को भी फ़ोन करते हैं कि सर वी वांट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, और उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उनकी, तो उनको अभी ये लगेगा कि नहीं अगर ये लोग जल्दीबाजी पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे का नुकसान ही होगा फ्यूचर में, और 4 महीने की बात है तो लेट अस गो फॉर नीट 22। तो मेरा मानना है कि शायद काफ़ी बच्चे जो ये 300 से 500 की रेंज के थे, शायद ये ड्रॉप करने का फैसला कर लेंगे, जिसकी वजह से जो बाकी लोगों की कट ऑफ है वो आसान हो जाएगी। तो जो आपको कॉलेज मिलने वाला था उससे शायद बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा विद द सेम मार्क्स फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए सरकारी तो कोई नहीं छोड़ेगा, जब तक वेट करनी पड़ेगी लोग वेट करेंगे जो भी उस रेंज में आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आई कैन से कि हो सकता है कि आपको आपके रैंक्स में बेटर कॉलेजेस मिल जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स मे डिसाइड एट जो उस रेंज के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं कि लेट अस टेक अ वन मोर अटेम्प्ट, जो 400 नंबर वाले हैं कि नहीं हमारा अगले साल सरकारी आ सकता है, खासकर 125 नंबर वाले, पहले उनको ये लगता है कि नहीं थक गए नहीं करना, पर अब इतना टाइम मिल गया है कि उनको भी मोटिवेशन आ सकता है कि नहीं कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, 3 महीने की बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ना 450 से 550 वाली, वो बच्चे प्राइवेट ना लेके शायद नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, और फिर जो नीचे नंबर वाले हैं इसलिए उनको बेटर कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो जाएंगे, और ये लोग अगले साल गवर्नमेंट के लिए अटैम्प्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक हो सकता है निष्कर्ष निकले बिकॉज ऑफ दिस डिले ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। सो आई होप यू लाइक माई एनालिसिस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच मोर एनालिसिस, और अगर आप हमारी पेड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं फॉर MBBS 2021 बैच, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं। सीट्स अभी भी ओपन है, और कुछ सीटें ही हैं लेकिन अभी है अवेलेबल, क्योंकि जो प्रोसेस डिले हो गया तो काफ़ी लोग अभी सोच रहे हैं कि सही नहीं सर, एक बार जो पहले समय से टच में थे कि एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम आपका पैकेज फॉर्मली ले लेंगे। सो
बेस्ट विशेस, और मैं बच्चों से ये अपील करूँगा कि डू नॉट लूज योर पेशेंस, कीप योर सेल्फ एंगेज, और मैं तो ये कहता हूँ 400 नंबर वालों को, कीप ऑन स्टडिंग फॉर नीट, और क्या पता आप 2 महीने बाद ये फैसला करो कि हम ड्रॉप कर लें, अगले साल दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज या बेटर प्राइवेट कॉलेज के लिए फाइट मारे, या सेम प्राइवेट कॉलेज बट लेसर फीस। लॉजिक याद रखिए हमेशा, जितने ज़्यादा नीट में नंबर उतना बेटर कॉलेज या उतनी कम फीस वाला कॉलेज। तो बस ये बड़ा गोल्डन रूल है, तो जितने नंबर आप ज़्यादा नीट में ले आएंगे उतना ही हमारे पैसे बच जाएंगे इन टर्म ऑफ फीस स्ट्रक्चर। थैंक यू।